जी अम्मी जी, यही बताने के लिए फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं, किसी को भी नहीं मालूम, ना अलिजबा को, ना अलीना को, ना बाबा को। जी हाँ, मैंने टिकट उठा लिया जी। अच्छा अम्मी, आपको पैसे मिल चुके हैं? हेलो हेलो जी, सलाम अलैकुम। ये अज़र साहब ऑफिस तो नहीं आए होंगे अभी तक? अच्छा, जब वो आएंगे तो उनको कह दिएगा कि मुझे फ़ोन कर दें प्लीज़। नहीं नहीं, वो मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी आज, तो मैं ऑफिस नहीं आ रही। दादी, कल तुम कह रही थी ना कि मैं बहुत चुप चुप रहने लगा हूँ, लेकिन आज तो तू खूब बोल रहा है। दादी, एक्टर बनना मेरा ख्वाब है और उन्हें मेरा काम इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे अपने अगले ड्रामे में भी चांस दे दिया है। अच्छा सुनो, तुमने सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह करके रख लिए फाइल में? यस बॉस, सब कुछ कंप्लीट है। यार पक्का दो हफ्ते लगेंगे ना? हाँ, मुझे तो उन्होंने यही कहा है कि दो हफ्ते लगेंगे, मतलब बड़ा अमाउंट मांगा है हमने, इन्वेस्टिगेशन तो होगी। आई होप कि कोई ऑब्जेक्शन ना डालते। क्यों फिक्र कर रहे हो, नहीं होगी, टेंशन ना लो। कल वो अजहर मेरे कमरे में आता रात को। अच्छा। हाँ, बहुत देर तक मेरे पैर पकड़ के बैठा रहा, खूब रोता रहा, और फिर चला गया। बेवकूफ इंसान, बेचारी सामिया की जिंदगी तबाह कर दी इसने। आजकल तो भाई से बात करना ही मुश्किल है। बहुत जल्दी हो गया है, पैदल नहीं था। चले, नोटिस तो किया आपने। क्या है वो? एक का खत है। ये असर के कमरे में रखा था। किसी लड़की का खत है क्या? नहीं साहब, असर ने लिखा है हम सब के नाम। क्या लिखा है बेटा, पढ़ो। बाबा भाई गए, कहा लिखा है अमेरिका गए हैं। लेकिन क्यों? पता नहीं। प्लीज, मुझे पता था बस जात वो मेरा खून ही नहीं था, पैसे भी साथ ले गया होगा। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कयामत के रोज उसका गिरेबान पकड़ूंगा मैं। पापा प्लीज, आपकी तबीयत खराब हो गई, प्लीज कमरे में चलें। बुआ, उस खबीस औरत का खबीस बेटा मनु, ये अज़र साहब ऑफिस तो नहीं आए होंगे अभी तक? अच्छा, जब वो आएंगे तो उनको कह दिएगा कि मुझे फ़ोन कर दें प्लीज़। नहीं नहीं, वो मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी आज, तो मैं ऑफिस नहीं आ रही। ओके, थैंक यू, खुदा। पापा नहीं चाहिए मुझे पार्टी, जलील करके रख दिया इस अजहर ने। वही
माँ वाली हरकत की है इसने। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। अपना हिस्सा देख के निकल लिया, अपनी बहनों को किसके सहारे छोड़ गया, माजूर के। पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप, मुझे या अलिश्पा को सहारे की जरूरत नहीं है। कारोबार का क्या होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे अच्छा नहीं किया इसने, मेरे बाल को ठेस पहुंचाई, कहीं का नहीं छोड़ा इसने मुझे। पापा प्लीज ऐसी बातें मत करें, आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। ओ जाने दो, अब जीना ही कौन चाहता है। बस मैं मैनेजर साहब को फोन कर रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं लीना बात कर रही हूँ जी, आप आज आ सकते हैं प्लीज़। अच्छा प्लीज़ आप जब भी आपके लिए कन्वीनियंट हो आप आ जाएं, बहुत ज़रूरी बात है जी। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़। अलिश्पा बेटा, बुआ ये सब क्या है, भाई ने देख लिया तो शामत आ जाएगी। बेटा अब वो वापस नहीं आएगा। क्या इस्लामाबाद से, क्यों? इस्लामाबाद नहीं, अमेरिका चला गया। हुआ आपकी तबीयत तो ठीक है ना, अभी सुबह ही तो भाई मुझसे मिल के गए। जाओ अपने पापा और बहन से मिलो, हमारी तो कुछ समझ में नहीं। ये बुआ क्या कह रही है भाई के बारे में? अलीना, ये सब रियाना की चाल है। पापा प्लीज, आपकी तबीयत फिर खराब हो जाएगी। ये सब क्या है, भाई क्या चले गए? हाँ आज सुबह को। लेकिन क्यों, आप लोगों ने ऐसा क्या कहा है उन्हें? ये एक तो दिन की बात नहीं है, ये फुल प्लानिंग के साथ गए हैं भाई, अपने सारे पैसे साथ लेके। लेकिन आपा कल रात तो वो मेरे पास आए थे, मुझे प्यार भी किया था। मैंने पूछा तो कहने लगे क्या मैं अपनी बहन को प्यार नहीं कर सकता। मुझे क्या पता था हमेशा के लिए जा रहे हैं। मैं लिख कर दे सकता हूँ ये सब रिहाना को कर। मैं तो सिर्फ उनसे एक आखिरी दफा पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने आखिर ये किया क्यों? वो तो हमेशा बाहर जाने के खिलाफ थे, अचानक ये सब। पानी पिला दो। बाबा आपको डॉक्टर के पास तो नहीं जाना? नहीं, पानी पिला।
हेलो हेलो जी, हाँ जी साजिद, वो अजहर साहब आए हैं काम पे आज? नहीं वो तो नहीं आए, लेकिन मैनेजर साहब आए थे, कुछ फाइलें वगैरह लेकर गए हैं। आपने उनको घुसने कैसे दिया? खावर साहब की कॉल आई थी इसलिए दरवाजा खोलना पड़ा। ओके ठीक है, जरा मेरे लिए काम करें प्लीज, मेरे दफ्तर में जाइए, दफ्तर पे डेस्क पे एक ब्लू रंग की डायरी रखी है, उसमें से ट्रैवल एजेंट का नंबर निकाल के मुझे दीजिए प्लीज, ट्रैवल एजेंट का नंबर। ओके एक सेकंड। ओके आई एम वेटिंग। जी मैडम लिखिए। हाँ एक सेकंड। हेलो हेलो, हाँ बताइए। नाइन ज़ीरो एट थ्री। ओके ये वही स्टार ट्रैवल बंदा है ना? वही ट्रैवल एजेंट आर यू शो? ओके ऑलराइट, ओके ओके थैंक यू साजन। ओके क्या हुआ दादी, ये रोना धोना क्यों मचा हुआ है? गजब हो गया। अब क्या हुआ? किसी से कहना नहीं, असर सब कुछ छोड़ छाड़ के अमेरिका चला गया। कौन अपना असर? वो जो यहाँ रहता था लंबा सा आदमी, वो चला गया? हाँ हाँ असर, बताओ आजकल की औलाद का खून सफेद हो गया, बूढ़ा बाप तन्हा रह गया। तन्हा क्यों, दादी मुन्नू है ना उसके पास, खावर के पास। तू क्या कर सकता है जाहिल कमार? मैट्रिक पास आदमी जाहिल नहीं होता, और वैसे भी मैं बहुत खूबसूरत हूँ, टीवी पर आता हूँ मैं। अरे हमें तो खुद साहब की परेशानी है। मुझे भी, क्या बात करूँ जाके खावर से? कुछ नहीं यहीं खड़ा रह तू। दादी उसको मेरी ज़रूरत है। मैं तो उससे कह रही हूँ कि चुपचाप यहीं खड़ा रह। अच्छा ना। हाँ कलीम, अजहर साहब का टिकट तुमने करवाया था? कहाँ गए? वाशिंगटन? वहाँ का कोई कॉन्टैक्ट नंबर दिया उन्होंने? अच्छा टिकट कब लिया था? ठीक है, हाँ हाँ खावर साहब ठीक हैं। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज़। तो कलीम से कराया इसने टिकट? जी सर, 20 दिन पहले बुकिंग करवाई उन्होंने। अंकल मुझे पैसों का बताएं, पैसे कहाँ थे? पैसे सारे कंपनी के अकाउंट में, अजहर साहब ने बहुत ईमानदारी के साथ 130 हिस्सा अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाया था, और शायद कुछ पैसे पहले के होंगे उनके। कितने हैं ये पैसे? ये कोई 3.5 करोड़। जी मुझसे मांग ले तो मैं कुछ मना थोड़ी कर देता, लेकिन एक मसला है सर। क्या? शायद वो गजल लड़की है, उसके शायद पैसे उन्होंने अब तक वापस नहीं किए। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे नहीं मालूम कि उस लड़की के पास इतने पैसे कहाँ से आए। गजल ने अजहर साहब के पर्सनल अकाउंट में 2 करोड़ रुपये जमा करवाए थे। इतना सब कुछ हो रहा था और आपने बताया नहीं? सर मैं आपकी तबीयत की वजह से खामोश था, सोचा था बताऊंगा जब आपकी तबीयत ठीक होगी, लेकिन उससे पहले मुझे अजहर साहब ने निकाल दिया।
फिर आपने कुछ पूछा भी नहीं मेरे बारे में। क्या कहता मैं, तो कंपनी उसके नाम कर चुका था। सर वो कंपनी अब भी आपके नाम है। क्या मतलब? अतन ने वो पावर ऑफ अटॉर्नी इस्तेमाल नहीं की? भाई ने ये सब क्यों किया? सर एक बात और है सर, अजहर साहब ने एक अमेरिकन अकाउंट में 1 करोड़ रुपये डलवाए हैं और मुझे यकीन है कि सर वो अकाउंट कम से कम उनके नाम तो नहीं है। तो आप हैं फजल? जी मैं लीना हूँ। पता है मुझे, यहाँ इस तरह आने का मतलब? अजहर कहाँ है? वो अब इस मुल्क में नहीं है। भाई ने तो दिल ही तोड़ दिया बुआ, यहाँ कोई रिश्ता भरोसे के काबिल नहीं है। कोई रिश्ता है तो पैसे का, माँ बाप बहन भाई सब रिश्ते फजूल हैं। मैंने नहीं खाना खाना। अरे ऐसे कैसे नहीं खाना? खाना खाना जरूरी है ना बाबा। मैं कहा मैंने नहीं खाना खाना, लेकिन मैं तो आपको खाना खिला के ही जाऊंगी। तुम चल जाओ। अच्छा ठीक है, आपका जब भी मूड हो आप मुझे बता दें, मैं यहीं बैठी हुई हूँ, फिर मैं खिला दूंगी आपको। ठीक है? तुम बहुत जिद्दी हो गई हो। सभी जिद्दी हैं इस घर में।